हाय गाइस, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ बात करेंगे दो ट्रैक्स के बारे में या दो ऐसी डेस्टिनेशन के बारे में जो आप लोगों को विंटर्स टाइम में घूमनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट में आती है मेरे लिए, मतलब जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, लद्दाख और चोपटा। तो दोनों जगह बहुत अच्छी है। मैं मनाली भी गया हूँ, मनाली में दो बार गया हूँ। अभी विंटर सीजन में भी गया था, 2023 में गया था जैन में। तो बहुत अच्छा टाइम था, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो अगर आप लोग विंटर वेकेशन ट्रैक करने की सोच रहे हो और आपको स्नो देखनी है और आपको रश से दूर रहना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है चोपटा। आपको चोपटा में जाना है तो चोपटा के लिए मेरे दो व्लॉग्स हैं, मैंने वहाँ पे वीडियोस बनाई थी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा स्नो मिलती है। और 2 से 3 दिन का ट्रैक है, दो से तीन दिन की ट्रिप है पूरी, और करीब आपकी कॉस्ट भी 7-7.5 हज़ार पर पर्सन आती है उसमें। और वहाँ के जो होटल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग चोपटा प्लान कर रहे हो तो मेरी वो वीडियोज़ देख सकते हो, मैं उनका लिंक नीचे डाल दूंगा। और आपको अगर लगता है कि आपको कुछ चीज़ें वहाँ के बारे में जाननी है तो मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक ये है, आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सबको समझा दूंगा चोपटा के बारे में अगर आपको समझना है तो। कुछ सेकंड लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो यार वो रहेगी लद्दाख, रहेगी हमारी लद्दाख सबसे बेस्ट रहा था। लद्दाख विवेक और मैं गए थे 2022 में जनवरी में। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड था और ट्रिप कॉस्ट हमारी रही थी करीब 12,000-13,000 रुपये। वहाँ पे क्या था कि -20 टेम्परेचर, -30 टेम्परेचर, और एक अलग डेस्टिनेशन थी घूमने के लिए। जैसे कि चोपटा अलग है और सभी लोग, मैंने देखा विंटर सीजन में ट्रैक करना चाहते हैं, सभी को स्नो चाहिए, सब लोग मनाली भागते हैं। तो मनाली में, सिसु में इतना ठीक है, वहाँ स्नो है, पर बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं और आउट ऑफ द बजट चली जाती हैं। आप लोग अगर नई डेस्टिनेशन देख रहे हो तो लद्दाख भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। विंटर सीज़न में लद्दाख का एक अलग नज़रिया होता है देखने का और समर सीज़न में एक अलग नज़रिया होता है देखने का। और आप लोग लद्दाख प्लान कर रहे हो तो वहाँ के मैं नंबर दे दूँगा नीचे टैक्सी ड्राइवर का, जो आपको नीचे लेह से, मतलब लेह एयरपोर्ट से पिक करेगा टैक्सी के लिए। वो आपकी सारी हेल्प कर देगा, आपको रूम बुक करने हैं वहाँ, आपको लोकेशन जैसे लोकल साइट्स जो होती है घूमने के लिए वो अगर आपको घूमनी है तो वो उसमें भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा, बहुत अच्छे से ट्रैवल करवा, बहुत अच्छे से, मतलब आपकी काफ़ी अच्छा हेल्पफुल बंदा है। और लद्दाख सबसे बेस्ट जगह है, मैं लद्दाख भी गया था तो लद्दाख की मेरी वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी है ना तो लद्दाख की वीडियोज़ देख लीजिए। और अब बात करते हैं कि 2024 की जैन में मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ केदारकंठा ट्रैक करने। तो मेरे साथ करीब 6-7 लड़के जा रहे हैं जो केदारकंठा ट्रैक करेंगे, और जिस दिन न्यू ईयर होगा उस दिन हम लोग केदारकंठा के जो पीक है वहाँ जाएंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई केदारकंठा पीक गया, जो वीडियो देख रहा है यहाँ तक, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने इंस्टाग्राम आईडी बताएं कि वहाँ पे किन चीज़ों से मुझे बचना चाहिए, क्योंकि मैं भी कुछ जानता नहीं वहाँ के बारे में इतना, पर जितना यूट्यूब वीडियो से सीखा है मैंने, किसी ने भी प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई है, मुझे समझ में नहीं आई कि वो किस तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने जो ट्रैक अप इंडिया करके एक है, जो केदारकंठा का पैकेज बुक कराया हमने, 7,500 पर पर्सन है, उसकी वीडियोस मैं अलग डालूंगा जिसमें आपको उसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा कि ट्रैक अप इंडिया से जाना चाहिए या सोलो जाना चाहिए। वो मैं वहाँ से आने के बाद भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और यहाँ से जाने के बाद, मतलब जाने से पहले बताऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें ली, पर वो सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बताने का मेरा मोटिव यही था कि अगर आप लोग विंटर वेकेशन में घूमने की सोच रहे हो कहीं भी अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप लोग चोपटा जा सकते हो या आप यहाँ जा सकते हो लद्दाख। मनाली जाना अच्छी बात है, ठीक है मनाली, पर मुझे मनाली इतना पसंद नहीं आता, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है वहाँ पर, मतलब बाइक्स महंगी हो जाती हैं, होटल्स नहीं मिलते हैं, और स्नो की वजह से स्केट होती हैं कारें, एक्सीडेंट्स होते हैं और हर चीज़ें कॉस्टली हो जाती है। बहुत ज़्यादा आपके साथ अलग बिहेवियर होता है विंटर सीजन में, क्योंकि हर चीज़ कॉस्टली होती है, वो आप लोग नहीं कर पाओगे। आप लोगों का बजट 10,000 होगा, आप सोचो मनाली में जा रहे हैं और वो चीज़ें इतनी महंगी कर देते हैं वहाँ के लोकल लोग कि वो आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कई बार स्टे भी नहीं मिलता लोग, बिल्कुल स्टे नहीं मिलता, कार के अंदर सोना पड़ता है। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त गए थे, कार के अंदर सोए थे। तो चोपटा इसलिए बेस्ट सीजन है क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मैं होकर आया था वहाँ पर, कम रश रहता है, लिमिटेड होटल्स हैं, आप बुकिंग करके जाएं। नीलकंठ करके एक होटल है जिसका मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि रूम अवेलेबल है कि नहीं है। उनकी रूम की वीडियोज़, मेरी ट्रैकिंग की वीडियोज़ मैं वहाँ कैसे गया उसके लिंक में नीचे डाल दूंगा, आप देख सकते हो। मैं लद्दाख गया था तो लद्दाख में भी यही सीन था, विंटर सीज़न में बहुत कम मेरी नज़रों में वीडियोज़ में मैं देखी थी कोई लद्दाख ऐसे गया नहीं था जिस तरीके से मैं गया था। तो मैं फ्लाइट से गया था, उस टाइम फ्लाइट की कॉस्ट थी 1,800-2,000 रुपये, तो हम लद्दाख गए थे उसमें, रिटर्न भी यही था 2,500 रुपये की। फिर क्या हुआ था, वहाँ पे हम टैक्सी ड्राइवर देखा, मतलब एयरपोर्ट से बाहर आए, टोटल एरिया लद्दाख का 3 किलोमीटर का ही है, जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो पता चला कि टैक्सी वाले 1,000-2,000 रुपये ले रहे हैं। तो एक नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर जो वहाँ के लोकल टैक्सी ड्राइवर का है, उसका सेंसे नाम है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आप लद्दाख प्लान कर रहे हो तो वो आपकी पूरी हेल्प कर देगा, वो आपको जैसे कि संस्कारा रिवर, संगम पॉइंट और मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा साहिब और जो रेंचो वाला स्कूल था उस स्कूल में घुमाने का, तो वो 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000, वो अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से, मतलब अलग लोकेशन ही कह सकते कि
अलग अलग डेज के हिसाब से अलग अलग प्लान करता है वो, और उसकी कॉस्ट भी बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, मतलब -20-30 टेम्परेचर रहता है। और आपको इन ट्रैक पे अगर आप जाने के प्लान कर रहे हो तो मेरी एक दो दिन में फिर से वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको इतने हाई टेम्परेचर में अगर मनाली भी जा रहे हो तो आप तो कौन सी जैकेट लेनी चाहिए, कौन से ट्रैकिंग पैड लेना चाहिए, कौन से ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। कई सारे लोगों को देखा है मैंने ट्रैकिंग टाइम कैरी करें, हाँ ट्रैकिंग टाइम मैं लोगों को देखा है कि वो जीन्स पहन के ट्रैकिंग करते हैं और स्पोर्ट्स शूज़ पहन के स्नो पे चल रहे होते हैं, फिर स्केट हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आप इंडिविजुअली कहीं भी इंडिया में कहीं भी ट्रैकिंग करने जा रहे हो या किसी भी डेस्टिनेशन में घूमने जा रहे हो तो ट्रैकिंग गियर्स आपके पास जरूरी, जो मिनिमम प्राइस के हैं कि 4-5 हज़ार रुपये में आपके पास आ गए तो आप 7-8 साल तक उनको यूज़ कर सकते हो। विंटर सीजन 2-3 महीने का होता है, हम ट्रैकिंग सिर्फ 8-10 दिन ही करते हैं पूरे ईयर में, तो वो चीज़ आपकी सेफ़ रहेंगी और एक अच्छी बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगी डेकैथलॉन। उसके बारे में हम कल वीडियो में या परसों वीडियो आएगी हमारी उसके बारे में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ, बाय।